दोस्तों, कोरोना की मार सभी जगह पड़ी है। इसकी मार से क्रिकेट भी अछूता नहीं है। पहले आईपीएल 2020 29 मार्च से शुरू होने वाला था, लेकिन कोरोना की वजह से पोस्टपोन कर दिया गया। कोई भी एसोसिएशन इतनी कमाई देने वाले टूर्नामेंट को ऐसे ही रद्द नहीं कर सकता, तो बीसीसीआई ने फैसला लिया है कि यह टूर्नामेंट यूएई में कराया जाएगा, मतलब यूनाइटेड अरब अमीरात में। यह टूर्नामेंट पहली बार बिना दर्शकों के हो रहा है। अभी इस समय आईपीएल का नाम आए और बायोसिक्योर बबल का नाम नहीं आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्योंकि जैसा कि नाम से लग रहा है और बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ये काफ़ी सारे इमेजेस वायरल हो रही है, जिसमें ग्राउंड के ऊपर बबल बने हुए हैं, तो मन में यही सवाल आता है कि क्या सचमुच में ग्राउंड के ऊपर ऐसा बबल बनाया जाएगा या फिर बायो बबल कोई टेक्नोलॉजी है। चलिए इसी के बारे में हम जानते हैं। फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूं कुलदीप चौधरी एंड बाय प्रोफेशन मैं एक फार्मासिस्ट हूं। आप लोग यही सोच रहे होंगे कि कहां हम डिजीज़ और मेडिसिन के बारे में और ट्रीटमेंट के बारे में बात करते हैं और आज हम क्रिकेट पर वीडियो लेकर आए हैं। तो दोस्तों, ऐसा नहीं है। यह चीज़ जिसके बारे में आज हम बता रहे हैं वह भी कोरोना प्रिकॉशंस के बारे में जुड़ी हुई है, इसी वजह से आज हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो दोस्तों, बायोसिक्योर बबल एक बायोसिक्योर एनवायरनमेंट है, और एक दूसरी भाषा में कहें तो ये एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेस है जिसमें सभी टीम के प्लेयर, टीम स्टाफ, होटल मैनेजमेंट, होटल स्टाफ सभी के लिए कुछ नियम बनाए हुए हैं। इन रूल्स की वजह से कोरोना संक्रमण का खतरा नहीं होता है और टूर्नामेंट सेफली तरीके से पूरा हो सके, इस वजह से यह सिक्योर सिस्टम अपनाया गया है। अभी सवाल ये आता है कि क्या बायो बबल पहले कहीं प्रयोग में लाया गया है? तो हाँ दोस्तों, वेस्ट इंडीज़ वर्सेज इंग्लैंड के जो अभी टेस्ट मैच हुए थे उसमें यह सिस्टम प्रयोग में लाया गया है और वह टूर्नामेंट काफ़ी सक्सेसफुली पूरा हुआ है। बायो सिक्योर बबल के तहत स्टेडियम व होटल को ग्रीन जोन में बदला जाएगा। कहने का मतलब यह है कि खिलाड़ियों, टीम प्रबंधन, होटल स्टाफ और सभी लोग जो वहाँ ठहरेंगे, वहाँ से लेकर स्टेडियम तक कोई भी अन्य व्यक्ति से नहीं मिल पाएंगे। अगर कोई भी इस नियम को तोड़ेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ऐसा पहले हो चुका है। जैसा कि हमने आपको बताया, वेस्ट इंडीज़ और इंग्लैंड के बीच में जो टेस्ट श्रृंखला हुई थी उसमें जोफ्रा आर्चर अपने किसी फ्रेंड से मिले थे, तो दंड स्वरूप उन्हें सेकेंड टेस्ट से निष्कासित कर दिया गया। केवल टीम स्टाफ और सदस्यों को ही आपस में मिलने की अनुमति होगी। यहाँ तक कि खिलाड़ी घूमने भी कहीं बाहर नहीं जा सकते, ना किसी फैन, विजिटर या फिर किसी फैमिली मेम्बर से मिल पाएंगे। यह सारे प्रोटोकॉल जब से टूर्नामेंट शुरू होगा तब से लेकर जब तक ख़त्म होगा तब तक लागू होंगे। यहाँ तक कि प्लेयर्स का स्टेडियम में एंट्री होने का पाथवे फिक्स रहेगा, उसी से प्लेयर्स अंदर आएंगे और उसी पाथवे से प्लेयर बाहर भी जाएंगे। बायो सिक्योर बबल के तहत ही दर्शकों को भी स्टेडियम में एंट्री नहीं दी जाएगी। इसके अलावा कॉन्टैक्ट लेस एम्पायरिंग होगी, मतलब एम्पायर का किसी भी खिलाड़ी के साथ कोई कॉन्टैक्ट नहीं रहेगा। इसके अलावा फोटोग्राफर भी वहां अलाउड नहीं है। दोस्तों, अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। तो जिस तरीके से कोरोना ने हमारी सबकी ज़िंदगी को काफ़ी प्रभावित किया है, उसी तरीके से कोरोना ने आईपीएल को भी काफ़ी प्रभावित किया है और काफ़ी नियमों में बदलाव हुए हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको हमारी दी हुई ये जानकारी काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी दी हुई ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कोरोना महामारी के इस समय में अपना और अपने परिवारजनों का पूरा ध्यान रखें। कोरोना से बचने के तरीके हमने पहले के वीडियो में बनाए हुए, मैं उसका लिंक आई बटन में डाल देता हूँ, और आप अपनी इम्यूनिटी को कैसे बढ़ा सकते हैं उसका लिंक मैं आई बटन में डाल देता हूँ। दोस्तों, आप सभी सेफ रहें और अपने लव्ड वंस का ध्यान रखें। थैंक यू वेरी मच। रेगुलर अपडेट्स के लिए आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, और किसी भी क्वेरी के लिए आप हमें DM कीजिए।